हादसा हुआ है हमारे महीने के अंदर हफ्ते बाद सारे महीने के लिए जो इन्होंने वहाँ पर देखा बस्ती में घूम कर कैसे लोग परेशान थे, किस तरह बिलखरा रहे लोग सड़कों पड़े थे अपने घरों का आगे, क्योंकि ऊपर छत का साया तो सब खराब हो चुका, दीवारें कोई मतलब ऐसी पक्की नहीं, झुग्गी झोंपड़ी वाले सब लोग वहाँ से मतलब थे दो चार ही पक्की, मतलब वो भी दीवारें खड़ी हुई थी ऊपर, उन पर भी छप्पर ही डरा हुआ था। तो इसमें एम पी साहब गए थे, पूरे क्षेत्र का दौरा किया, तो जैसे जरूरत समझी पहले तो हाजी जी ने जो वहाँ पहुँचे और खाने का ऐलान किया, उसी दिन से जो खाने का प्रोग्राम बराबर दोनों टाइम का चल रहा है, नाश्ते का भी चल रहा। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी बिरादरी की तरफ से, तमाम जिम्मेदार हमारे यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से, हाजी जी का और पूरे परिवार का, अखलाक परिवार का मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी बिरादरी की तरफ से। और मैं जो हाजी जी ऐलान करके आए हैं कि भाई लोगों के पास मौके पर पैसे भी नहीं थे दवाइयों के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो दवाइयों का भी कैंप का परमानेंट इंतजाम करा, और कुछ पैसों का भी नकद का भी 3.5 लाख रुपए जो दिए गए हैं वो भी मेरे पास पहुंच चुके हैं, और जो हम लिस्ट जो बना रहे हैं जो घर घर उनको जाकर अभी कुछ नाम दो चार चिन्हित करने लगे, क्योंकि मैं खाना खिलाने में भी टाइम नहीं मिल पा रहा और लोग दवाई दारू उसमें भी लगे पड़े हैं, तो इंशाल्लाह सुबह 10 बजे वो एक घर वो कैसे जो है पहुँच जाएंगे। और एक समय कुछ जो दहेज है, मैं दो बात रखना चाहता हूँ आई से, जैसे तो पूरा ऐलान आई ही कर ही आए थे मकान जो भी है मस्जिद बनाने के लिए भी, जो मस्जिद हमारी शहीद हो चुकी है उसके लिए भी आई ने ऐलान किया था, जिस तरह का भी आई ने बता दिया जो भी जिसकी जेरी जरूरत हो पूरी कर रहा है, कपड़े भी भेज रहा है बच्चों के भी छोटे छोटे कपड़े बड़े कपड़े सब आई तरफ से जा रहा है, और जो दहेज जल गया है उस पर लोगों को जरा सही परेशान से परिवार के बेटियों का दहेज 10-10, 20-20 रुपये 50 रुपये लाठी डालते हैं जोड़ते हैं इकट्ठा कर लेते हैं, फिर चार बर्तन ला के रख लेते हैं। आज ही कम से कम 20-25 लड़कियों का दहेज, जो मेरा भी जो मैं जो मेरी बीवी है सोफिया साहब जो केंद्र क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, मैंने उनको जिम्मेदारी दे रखी है, क्योंकि देखो मैं तो खाने की उसमें लगा हुआ हूँ कि खाना टाइम से मिल जाए उनको वक्त से, तो वो लिस्ट बना रही है उसकी दहेज जैसे जैसे जिसका था ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए। समझिए तो आपसे मतलब जो आप मतलब 20-25 लड़कियाँ थी दहेज बिल्कुल सामने पड़ा है, चीज जेवर भी बिल्कुल कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, चांदी के वो चांदी सोने का जो लेवल तक हुआ वो बाल्टी में लेकर और चुप रखा और कलश लाएगी। बस जो जैसे खुले में लोग पड़े थे मंडप जो है उसमें जो है हाजी जी ने बुक कराया, सब लोग बैठे हैं जिसका मतलब छत पे साया भी दिया फिलहाल, आगे जैसे जैसे भी हाजी जी करना है वो तो सबको पता ही है, तो रहने का भी बैठने का भी इंतजाम पूरा करा रहा है। और एक जो है बड़ी समस्या जो हाजी जिस मकसद से हम आपके पास आए हैं, मोहिद्दीन साहब बैठे हैं, हाफिज साहब बैठे हैं, मोहिद्दीन साहब हैं, ये लजीलाल साहब हैं, हमारे सभी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, तो इसमें जो बड़ी समस्या जो है ये तो सब जब आपने पहल कर दी है तो सब चैन अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से बना दी है, इसके अंदर सब लोग शहर के सभी जगहों से, शहर से अलग भी दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं, जमीयत उलमाए हिंद के लोग भी मदद करने मतलब आए हैं वहाँ, पहल देख के भी अच्छे कदम के लिए पहल की गई है, तो सब चैन बनती चली आ रही है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि सभी जो हमारे ये परिवार हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ और अपने बच्चों को मतलब जो लिख रहे हैं वो अपने उनका जो सब खत्म हो चुका है उन्हें हम तसल्ली से मतलब जो कुछ पहुंच सकता है उन तक पहुँचा दें। और इसमें दहेज का जो है बताया जी वो 20-25 लड़कियां हैं जो लिस्ट अभी तक मेरे सामने आई हैं, मेन मुद्दा आजी वही है कि अब जो है धरपकड़ पुलिस ने शुरू कर दी है, तो इसमें रात को भी दबिश दी गई, लोग बहुत परेशान थे अफरा तफरी का आलम था, लोगों को समझाया शांत करा दिखाया, हार्ट अटैक जो है उसका एक हार्ट अटैक से मारा है, जबकि उसकी झोंपड़ी भी नहीं जली थी मगर वो उनके दुख में शामिल था इस दहशत में कि भाई हमारे परिवार जो है मतलब ये क्या हो रहा है, तो जमीन जो है जमीन के लिए जरा सा आप उनसे जो संबंधित अधिकारी हैं केन बोर्ड के उनसे आप बात कर लेंगे
तो कुछ मसले का हल गरीब लोगों ने लिया। इन्होंने अपना जेवर बेच बेच के ही वो जगह खरीदी थी, समझे नहीं, जो तांबे पीतल के बर्तन मिलते हैं दहेज में, तो उनका अपना सामान बेच के, किसी ने 20 गज, किसी ने 25 गज, किसी ने 30 गज, इससे ज़्यादा का प्लॉट किसी का वहाँ है ही नहीं, और उस पर भी झोंपड़ी बनाकर मतलब अपना रहन सहन का जो कर रखा था। अब ज़्यादा परेशानी की बात यही है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन पर रोक लगे, कोई भी जो नाजायज है, जायज मतलब गलत है, उसे हम ना आपसे कहेंगे ना हम प्रशासन कहेंगे, हम नाजायज गिरफ्तारी कोई नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। हम सिर्फ अब आपके पास इसलिए आए हैं, बस इसमें आप देख लेते हैं आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। कोई हमारा बिरादरी का बच्चा कोई भी नाजायज ना पकड़ा जाए, क्योंकि अब भी 3-4 बैठे हैं वहाँ पे मंडप में। देखिए आज की आप लोग यहाँ पर आए, मेरे लोग आज राजी साहब बैठे, छोटे भाई मेरे साथ में क्या थे, और हरमन शाह साहब, भाई असलम साहब, और आप सब हजरात मौजूद बिरादरी के वहाँ के जिम्मेदार लोग आए हैं। मैं सबसे पहले आपका मशहूर हूँ कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि अपना दूध दर्द मुझसे बांटते हैं, मुझे अपना समझते हैं, मेरे घर को अपना समझते हैं। मैं अपने घर में आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीन दहानी कराना चाहता हूँ इंशाल्लाह कि मैं हर दुख सुख में ईमानदारी के साथ फीस भी मिला मैं आपके साथ करूँ। और देखो ये अकरम शाह असलम भाई बैठे हैं, जो इनका दर्द है और जो आप लोगों का दर्द है उसको ही मैं समझ रहा हूँ। जब इन लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ पर गया अलहम्दुलिल्लाह, उसके बाद में शहर के हर मोहल्ले के चारों तरफ से लोग वहाँ पहुँचने मदद करने के लिए, मुझे खुशी है इस बात की अलहम्दुलिल्लाह, मैं उनका स्वागत करता हूँ जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इन्होंने इस वक्त सबसे बड़ा मसला बताया है, तो वहाँ पर कुछ बच्चों के दहेज थे जो ख़त्म हो चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब उनकी छत का साया भी उनके घर पर नहीं है, जो उस उन पर बताया था असलम भाई ने, असलम भाई ने कि वो बेचारे जवान बच्चे कहाँ जाएँ, क्योंकि शरीयत तो वैसे ही ये कहती है कि बालिग होने के बाद में एक दिन भी बच्ची को रोकना जायज़ नहीं है, और वो तो बेसहारा कर बेघर हो गई, अब किसी घर पर कोई जवान बच्चे को रखेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इससे बहुत सहमत हूँ, और ये मैं आपकी काबिल तारीफ दाद देता हूँ इस बात की कि आपने उन बेटियों का दर्द समझा जो आपने मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। तो सबसे पहले तो मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये 20-25 लड़के बता रहे हैं, और मैं 31 लड़कियों की शादी के लिए 31 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ, और इंशाल्लाह आपके लिए आप कल ही उनकी शादी कराओ और हम हर लड़की की शादी में 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। सबसे पहले आप ये काम कराइए, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, मेरे मैं भी बेटी वाला हूँ, हमारी बच्ची है, और हम इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता, पैसा तो आता है चले जाता है, लेकिन वो बेटी अपने मुझे कुछ नहीं कह सकती। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आप फौरन पंचायत बुलाओ और फौरन बेटियों के लिए बनाओ, आप फौरन प्रोग्राम का इंतजाम करिए आप, और मैं हर 31 लाख रुपए इंशाल्लाह। ये लग रहा कि मेरे बच्चे जल रहे हैं, मेरी माँ जल रही, बहन जल रही, जब पता नहीं था किसी को भी जज्बात में आगे किसी ने कोई गलत काम कर दिया, लेकिन फिर भी हम किसी गलत काम का समर्थन नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी ने गलती करी है तो उसको उतनी सजा मिले जितनी उसने गलती करी है। जी ठीक है, ये नहीं कि आदमी ने मारी है ईंट लगा दो गोली उस पर, इस बात की हम बिल्कुल ख्याल नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से आपकी बात रखेंगे। मैं हवाई राजनीति करने वाला आदमी इंसान नहीं हूँ, आप जानते हो मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो मैं पैसे का ऐलान करके आया अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में आपके साथ सारा काम कर दिया, पूरी रात नहीं सोया मैं, खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, रात रात में तमाम लोगों के ठहरने का इंतजाम करना, खाने का इंतजाम करना, डॉक्टरों का इंतजाम करना, जब मैं रात को कह गया अगले दिन सब हो गया नहीं हो गया बताइए, आज जो बेचारे बिगड़ थे उन्हें छत मिल गई आराम से। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ अकरम भाई कि कोई बेकसूर की गिरफ्तारी नहीं होगी इंशाल्लाह, और आप लोग अपने जिम्मेदार 5 आदमी मेरे पास कल यहाँ 3 बजे आ जाएं, और हम आपकी जो मदद होगी वो होगी इंशाल्लाह, होगी अगर कह रहे तो, और आप कहोगे कि हाँ हुई है मदद। दूसरी जमीन की बात आपने कही, देखिए इस जमीन के मसले में भी जो भी कानूनी मदद होगी वो भी होगी, और इंशाल्लाह आप कहोगे कि हाँ मदद हुई है। मैं वहाँ पर आकर के राजनीति करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं गया था, आपको मैं उनका दुख बांटने गया था,
और दुख बात के आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया कि आज वो मासूम बच्चे जो कल वहाँ उनको बैठने की जगह नहीं थी, आज वो कैंप में खेल रहे हैं, लेटे में हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, खाना मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम छत मिल गई उन्हें। और उसमें अकरम भाई की, असलम भाई की और आपके जब बिरादरी के जिम्मेदार हैं, सबकी आपकी मेहनत है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका एक परिवार का सदस्य हूँ। तो मैंने लिफाफों के साथ आपको यकीन दिला देता हूँ अकरम भाई, 31 लड़कियों की शादी कराएंगे और 31 लाख रुपये हर लड़की की शादी को देंगे। और बाकी इंशाल्लाह बैठे हुए हैं हाजी जी, दो अल्फाज में कहूँगा इनकी तसल्ली के लिए आप भी कहें, और बाकी इंशाल्लाह हर तरह का हम आपके साथ। तो ये जो हादसा हुआ है इसके अंदर जो हमारे बड़े भाई ने कहा है उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके साथ में दुख में हर तरीके से शरीक हैं, और आधी रात को भी अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम ताबेदार हैं। अल्लाह आपको सबर दे और जो नुकसान हुआ उसके अल्लाह ताला भरपाई करे, और इंशाल्लाह हर तरीके से भी हमारा परिवार आपके साथ है। भैया ये माइग्रेन है तो हमारा घर है दूसरा, तो आपका कंपेयर हमारा आप पे है, आपका दूसरा पहले साहब आ गए टाइम पे वहाँ पे, अगर आते तो माहौल भी दूसरा बन जाता, अगर मक्के होता तो बात ना है वो भी ठीक रहा। सही बात, अल्लाह ने यह है कि रास्ता निकाल दिया, जो आपका मदद हुई मदद भी करी थी, बाकी अब सब कह दिया इंशाल्लाह जैसे भी है हम तो साथ। मेरा बच्चा बच्चा आपके साथ है। कौन सा बच्चा?